हेलो दोस्तों, ये है एचएफ डिलक्स बाइक। इसका है ये कार्बोरेटर, इसको अच्छी तरह से क्लीन करेंगे, बढ़िया इसको धोएंगे, पेट्रोल से साफ करेंगे। इसको खोल के मैं आपको बताता हूँ। ये कार्बोरेटर, ये है इसकी फ्लूइड और ये है इसका स्लो जेट। इसको बढ़िया साफ करना है और ये है इसका पेट्रोल जेट, इसको भी बढ़िया साफ करना है और ये है इसकी चोक। अब इसको वॉशिंग करेंगे पेट्रोल से। साफ होना चाहिए कार्बोरेटर और यह है इसका पेट्रोल जेट। इसको भी एकदम क्लीन होना चाहिए और इसके यहाँ एक छेद लगे हुए हैं छोटे छोटे, ये एकदम साफ हो गया। यह हो गया क्लीन, ये इसका स्लो जेट। तो ये स्लो जेट, ये स्लो जेट एकदम साफ होना चाहिए। अगर ये साफ नहीं होगा तो गाड़ी स्लो में गाड़ी बंद हो जाती है। ये इसकी नीचे की कैप और ये इसका फ्लूइड और ये इसकी नीडल। और मेन चीज़ ये है गाइस दोस्तों, ये पिस्टन, जब भी कार्बोरेटर साफ करो तो ये पिस्टन ज़रूर साफ करना है, क्योंकि इसमें ये साफ नहीं करते हैं ना तो ये गाड़ी है ना, कई बार रेस इसकी फंस जाती है और ऑटोमेटिक तेज़ हो जाती है। इसमें ये कार्बन जम जाता है, इसको एकदम साफ करना है। ये है पिस्टन इसका, ये बहुत ज़रूरी है साफ करना। पेट्रोल जेड फिटिंग करेंगे, अब इसमें स्लो जेड फिट करेंगे। ये हो गया स्लो जेड फिट। अब इसमें ये नीडल लगाते हैं फ्लूइड में और इसमें अब फिट करते हैं। ये एक तरह का वाल है, ये लीक नहीं होना चाहिए। अगर ये लीक होएगा तो पेट्रोल नीचे से और फ्लो करेगा, जैसे जीप आप जीप से खेचोगे तो ये कपड़ लेगा और नहीं कपड़ेगा तो ये लीक है। लीक होगा तो नीचे इस कैप से नीचे पेट्रोल गिरेगा, ये जरूर चेक करना है। सही, ये हो गया कार्बोरेटर क्लीन।